हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही थी, ये भी मुंबई की एक स्पेशल डिश है, मिसल पाव। सो गाइस, मैंने सोचा चलो आज मैं बना रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ करती हूँ रेसिपी शेयर। सो गाइस, ये है नारियल, ये है गीला नारियल, सूखा नहीं है, ये गीला नारियल है। आप लोगों के अगर आप लोगों के यहाँ टुकड़े नहीं मिलते तो आप अखा नारियल लेकर भी उसको तोड़ के यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ मिलते हैं तो मैंने ये टुकड़े मंगाए थे, दो टुकड़े बस, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और ये है जो मैं सब्जी में डालूंगी इंग्रेडिएंट्स, वो सो अदरक, हरी मिर्ची, धनिया और टमाटर। गाइस, आज हमारे यहाँ टमाटर थोड़े से सस्ते हुए इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा टमाटर लिए हैं। और ये मैंने दो ऑनियन लिए हैं, आप चाहें तो दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सो गाइस, यहाँ पर मैंने किया गैस ऑन और गैस के ऊपर रखा कुकर। सो गाइस, ये कुकर में बनेगी क्योंकि इसमें चने और जो काबुली चने हैं वो होते हैं, तो वो खुले बनाते हैं हम जब पतीली वगैरह में, तो वो नहीं गलते हैं अच्छी तरह, इसलिए इसमें विसल लगानी ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने डाला दो चमचे तेल। सो यहाँ पर मेरा राई का तेल है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है गर्म होने, तो ये गर्म हो गया। इसके बाद मैंने डाला इसमें प्याज जो मैंने कट करके रखा था, मैंने आपको बताया दो प्याज है ये, आप चाहें तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो दो प्याज मैंने इसमें डाले कट करके, ज़्यादा बारीक भी नहीं कट किए हैं, जैसे हम चाहें, आपको बारीक चाहिए तो आप बारीक भी कर सकते हैं, पर ज़रूरत इतनी नहीं होती। सो इसको मैंने अच्छे से सॉटे किया, इसको ज़्यादा सॉटे करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे बोलते हैं कि लाल होनी चाहिए, नहीं, इसमें ऊपर से कच्चा प्याज डलता है, इसलिए अगर इसमें थोड़ा कच्चा भी रह जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने मेरे प्याज जब तक भुन रहे हैं, मैंने सोचा चलो मैं इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे प्याज रहे हैं भुन, और फिर मैंने किया इसका मसाला रेडी। सो मसाले में मैंने जो मैंने आपको बताया था, अदरक, हरी मिर्ची, ये सब मैंने एक साथ पीसा। लोग अलग अलग भी पीसते हैं, बट मुझे गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। और मेरा जो मिक्सर है, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा मसाला नहीं पीसता है इसमें, इसमें ज़्यादा ही मसाला पीसता है, इसलिए मैंने सब एक साथ डालकर पीस लिया। एक साथ पीसने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो अलग अलग पीस सकते हैं और चाहें तो सब साथ में पीस सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है मसाले में। सो मैंने सब एक साथ डाला, टमाटर, जो जो भी मैंने आपको इन्ग्रीडियंट्स दिखाए थे सब डालकर, और मैंने एक साथ मिक्सर में पीस दिए। तो जब तक मेरा मसाला पिस रहा है, गाइस देखिए मैंने गैस का फ्लेम जो है स्लो किया हुआ है, जिससे कि मेरे ऑनियन जले नहीं। आप लोग फास्ट करके मत छोड़ देना क्योंकि ऑनियन जल जाएंगे। मुझे ज़्यादा फ्राई पसंद नहीं है, इसलिए मतलब मैं थोड़े कच्चे कच्चे ही रखती हूँ, इसलिए मैंने गैस फ्लेम स्लो पे किया हुआ है। और ये है मेरी थोड़ी सी ग्रीनरी जो मैं किचन में रखती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ किचन में ग्रीनरी रखती हूँ, बोलते हैं अच्छी वाइब आती है उससे, इसलिए मैंने छोटा सा एक मनी प्लांट रखा हुआ है किचन में, जो मैंने आपको अभी दिखाया। सो यहाँ पर मेरा पिस रहा है मसाला। सो गाइस, मेरी मिक्सर थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मसाला भी मेरा स्लो पिसता है। तो यहाँ पर मेरा मसाला पिस रहा है। यहाँ पर मेरा मसाला हो गया पिस के रेडी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी कि मेरा मसाला कैसा रेडी हुआ है। यहाँ पर मेरा मसाला हो गया पिसकर रेडी। गाइस देखिए मसाले का रंग कैसा आया हुआ है। ऐसा मेरा मसाला पिसा है। कोई कोई थोड़ा खड़ा मसाला भी रखता है, बट मुझे पूरा बारीक पेस्ट पसंद है और अच्छा भी वही लगता है, इसलिए मैंने एकदम बारीक पेस्ट बनाया इसका। और अब यहाँ पर देखिए मेरा ऑनियन भी हो गया रेड, जो थोड़ा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था, इसलिए मुझे जितना चाहिए मैंने उतना रखा है। आप लोगों को जितना जैसा पसंद है आप लोग वैसा रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया मसाला इसमें ऐड। गाइस, मेरी लाइट किचन में ना लाइट का थोड़ा सा इशू है कि मेरे कुकर पे, जो मेरा कुकर है वो थोड़ा बड़ा है फैमिली के हिसाब से, तो मेरे कुकर में प्रॉपर लाइट नहीं दिखती है, इसलिए शायद आपको मसाला ठीक से नहीं दिख रहा होगा। पर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है बाद में मेरी लाइट का, आप लोगों को मसाला अच्छे से दिखाई देगा। पर देखिए गाइस, मसाले का रंग कितना अच्छा आ रहा है, अभी तो ये भुना भी नहीं है, जब भुनेगा तो और अच्छा मसाले का कलर आएगा। गाइस, ये मेरा मसाला भुनना रेडी हुआ। मसाले में देखिए बॉईल आ रहा है, मसाला मेरा भुन रहा था, फिर मैंने इसके अंदर डाला नमक, मिर्च, हल्दी।
सो गाइज मैंने ये एक कटोरी में करके डाला, क्योंकि कुकर में मेरे लाइट नहीं पड़ रही थी तो मैंने ये अलग से आप लोगों के लिए किया। नमक, हल्दी और ये है देगी मिर्च जो मैं अब इसमें डालूंगी, ऐड करूंगी। सो गाइज देगी मिर्च का ये क्या है कि तीखा कम होता है और कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं देगी मिर्च यूज़ करती हूँ। आप लोगों के पास वैसे जो भी है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट देगी मिर्च ऐसा है कि कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में, इसलिए मुझे पसंद है पर्सनली देगी मिर्च। तो मैंने इसमें डाली देगी मिर्च और इसमें मैंने डाला है मेरा पर्सनल जो मैं घर में होममेड मसाला है वो। अगर आप लोगों को उसकी भी रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ये भी बनाकर बताऊंगी आप लोगों को कि ये मैंने घर में कैसे तैयार किया है। सो मैंने ये सब मसाले एक कटोरी में किए और उसके बाद फिर मैंने इनको सब्जी में ऐड किया, जिससे कि आप लोगों को हर मसाला प्रॉपर पता चले कि मैंने क्या डाला है। बस यहाँ पर यही मसाले मैंने डाले इसके अंदर और फिर मैंने इसको अच्छे से मसाले को किया फ्राई। सो गाइज यहाँ पर देखिए मेरा मसाला हो रहा है और अब ये मसाले डालने के बाद तो मसाले का कलर और भी ज़्यादा सुंदर आएगा, मतलब पहले ही मुंह में पानी आने लगेगा टेस्टी सा। सो गाइज़ देखिए यहाँ पर मसाले का कलर। सो गाइज़ अभी मैं लाइट थोड़ी सी अरेंज करूँगी, फिर आप लोगों को प्रॉपर दिखाई देगा कि मसाले का रियल में कलर कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने देखिए लाइट अरेंज की, क्योंकि लाइट कुकर में प्रॉपर नहीं दिख रही थी, अब आपको प्रॉपर दिखेगी। सो गाइज़ देखिए मसाले का कलर, ऑयल मसाला ऑयल छोड़ रहा है, कितना अच्छा कलर आ रहा है मसाले का। सो यहाँ पर मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी होने को है, अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, बस होने में ही है रेडी। सो गाइज़ यहाँ पर देखिए ये मसाला प्रॉपर रेडी हो चुका है कि हम इसमें सब्ज़ी जो मैं बता रही हूँ मिसल, वो इसमें ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें मिसल ऐड करूँगी, मिसल को हमको ज़्यादा भूनना नहीं है। ये देखिए मैंने मिसल ऐड कर दी इसमें, मैं ये घर में भी बनाती हूँ। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आप लोगों के यहाँ ये नहीं मिलती है भीगी हुई तो इसको घर में कैसे तैयार करें, बस थोड़ा सा टाइम गाइस, फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। सो आज मैं जल्दी बना रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ, फिर मैं ये कैसे घर में बनाते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आप लोगों के यहाँ ये नहीं मिलती तो इसको कैसे घर में ही आप जो वैसी होती हैं बिना भीगी हुई वो ला के आप लोग इसको अंकुरित कर सकते हैं और घर में ही ये रेडी कर सकते हैं। सो गाइस देखिए ये मेरा भुन के रेडी हो गई, इसमें मैंने डाला पानी। इसमें ये थोड़ी रस्से वाली बनती है, मतलब थोड़ी तरी रहती है इसमें, जिससे कि आप लोग, मैं बाद में बताऊंगी इसको कैसे खाते हैं और इसमें क्यों इतना ज़्यादा पानी डलता है। सो गाइस यहाँ पर मुझे जितना पानी चाहिए था मैंने डाला और मैंने इसमें लगा दी सीटी, दो तीन मिसल आने पे ये अच्छी तरह गल जाएगी। सो गाइस जब तक ये हो रही थी मैंने सोचा कि चलो मैं अपना, मैंने इसके साथ छुके हुए चावल बनाए थे, मैंने सोचा चलो मैं चावल भी छोंक लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखो चार काली मिरी, दो लौंग, इलायची और एक चक्री फूल डाल के मैंने यहाँ पर मेरे चावल भी फटाफट से छौंका मार दिए, क्योंकि इसके साथ छुके हुए चावल जो होते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम खाते हैं, मुझे टेस्टी लगते हैं तो शायद आप लोगों को टेस्टी लगे, इसलिए आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है, जो कभी कभी खाते हैं ना चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है, तो आप लोग भी ट्राई करो, आप लोग भी खाकर देखो कि कैसा सच में मैं बोल रही हूँ टेस्टी लगती है या सच में खाने के बाद आप लोगों को टेस्टी लगती है। सो देखिए यहाँ पर मेरी सब्ज़ी हो गई रेडी, तो देखिए फाइनल लुक मेरी सब्ज़ी का। तो देखिए गाइस कैसी ऊपर पूरा तेल आया है, मैंने थोड़ी सी गाढ़ी बनाई है, बाकी ये बहुत ज़्यादा पतली भी बनती है, लेकिन मुझे हमारे घर में जैसी पसंद है थोड़ी सी थिक, तो मैंने वैसी थोड़ी सी थिक बनाई है इसको। अब मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग किया हरा धनिया, और इसको ऐसे ही नहीं खाते हैं गाइस, इसको कैसे खाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पर मैंने इसको हरा धनिया डाल के थोड़ा सा गार्निशिंग की सब्ज़ी, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। सो मैंने इसमें डाला हरा धनिया और यहाँ पर हो गई ये रेडी। सो गाइज अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी कि मैंने ये सब्ज़ी कैसे खाई जाती है मुंबई में। आप लोगों के यहाँ आप लोगों ने खाई होगी, मुंबई कर हैं तो आप लोगों ने खाई होगी, अगर आप आउटसाइड हैं तो आपने नहीं खाई होगी। तो देखिए गाइज इसको ऐसे खाया जाता है, पहले मैंने डाली सब्ज़ी, इसके ऊपर डालते हैं जो यहाँ पर मिलता है चूड़ा, इसको चूड़ा बोलते हैं, नमकीन, हमारे दिल्ली साइड में इसको नमकीन भी बोलते हैं,
हैं मिक्स नमकीन, तो वो सब डाल के और इसके ऊपर प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया ये सब डाल के और बस गाइस इसको खाया जाता है। और मैंने ये लच्छे वाली प्याज भी काटी थी थोड़ी सी, हमारे घर में पसंद करते हैं थोड़ी सी कलरफुल प्याज, और इसके साथ दो पाव। सो गाइज ये हो गई मेरी प्लेटिंग। सो गाइज आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ गाइज आप लोग बनाकर टेस्ट ज़रूर करना, जब भी आपको पता चलेगा कि ये क्या है और कैसी लगती है। सो गाइज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।